हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने पहले जो लास्ट ट्यूटोरियल में जो कवर अप किए थे, फीचर किए थे, स्केच किए थे, सरफेसेस, शीट मेटल, वेडमेंट, स्मॉल टूल्स, मेश मॉडलिंग, अभी जो हम क्लियर करेंगे यहाँ पे डाटा माइग्रेशन। डाटा माइग्रेशन में जो है ना, जितने भी फीचर्स हैं वो हम सब कवर अप कर चुके हैं। पहली बात, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे डाटा माइग्रेशन में, जैसे कि हिल एजेस, उसके बाद में चेक, फिर इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री। ओके, यू कैन सी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री या देन इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड रिकॉग्नाइज फीचर एट्सेट्रा। तो ये जो है ना, तीन चार चार पांच फीचर जो है वो बाकी है डाटा माइग्रेशन में, मैं फिर कभी कवर अप करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी फीचर है ना, हम ये सब पढ़ चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बारूंगा ड्राफ्ट एनालिसिस, तो ड्राफ्ट एनालिसिस हम यहाँ पे मोल टूल्स में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में नीड सरफेस है, मूव कपी बॉडीज, मूव फेस, डिलेट फेस, रिप्लेस फेस, ये सब जो है पहले ही हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, मेटल में, शीट मेटल में, सरफेस में। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ गया, स्प्लिट, कंबाइन, कन्वर्ट टू शीट मेटल, ये सब सब जो फीचर है जितने भी कमांड से ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। नहीं देखे है ट्यूटोरियल तो जाके देख, नहीं देखे तो देख सकते हो। देखो, ये मेरा चैनल है कैट डिज़ाइन मास्टर। मैंने 3 घंटे का एक ट्यूटोरियल बनाया हूँ, बेसिक टू एडवांस। इसमें मैंने कवर अप किया हुआ स्केचेस, शीट मेटल, सरफेस, मोल टूल्स, फीचर्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी है अवेलेबल, जैसे कि मोल टूल्स, वेल्डमेंट, शीट मेटल, सरफेस टूल्स एंड द बेसिक फीचर ऑफ द सॉलिड, बेसिक टू एडवांस फीचर। ओके, अभी तक नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे सब एक एक चीज़ एकदम क्लियर कट इन डिटेल समझाने की कोशिश। नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न दी इवोल्यूट टूल। इवोल्यूट टूल में जो है ना, बेसिकली जो भी GDNT होता है, मेजरमेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो भी एनालिसिस होते हैं वो यहाँ पे इवोल्यूट फीचर में होते हैं। जैसे आपने मैक्सिमम तो यूज़ किया होगा मेजर, अभी डायमेंशन या फिर डिस्टेंस, डायमीटर, जो भी अपने को मेजर करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करो, जैसे कि यहाँ से इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो ये फेस सिलेक्ट करो और ये फेस सिलेक्ट करो। यहाँ पे वो डायमेंशन बताएगा, एरिया बताएगा, पैरामीटर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंटर डिस्टेंस कितना है, दैट इज 31.75 है। तो ये सब काम होता है किसका, मेजर का। फिर मास प्रॉपर्टी, मास प्रॉपर्टी में वो सेंटर ऑफ मास, बॉडी का मास वगैरह बता के दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी है, जो भी हम बॉडी सिलेक्ट किए हैं, इनकी जो भी यहाँ पे हमारा पार्ट है उसकी डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही होगा, अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का। ठीक है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो है ना, बेसिकली एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो जितना भी कैलकुलेशन होता है मास, वॉल्यूम वगैरह, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, वो जो है ना, जो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, उसके हिसाब से होता है। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है देख सकते हो, तो इसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे को चेंज करना है, ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट है, अगर हमने न्यू, एक मिनट मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके लिए ऐड करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे जाओ और लिखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, और आपको यहाँ पे फीचर टूल में, रेफरेंस ज्योमेट्री में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे इस एज पे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, और यहाँ पे डायरेक्शन जैसे कि अपवर्ड एक्स है, तो मैंने इसको जस्ट क्लिक ऑन ओके कर दिया। ठीक है, अब जो है ना, इसको हम नेम भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक फीचर आ जाएगा, इसको मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कमेंट भी कर सकता हूँ, और उसको रिनेम करने के लिए यहाँ पे इसको डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, डबल क्लिक से भी हो सकता है, और यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर रीनेम ट्री आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे के कोऑर्डिनेट नंबर्स CN1, ठीक है, CN1 कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट सिस्टम CN या फिर CS1 रखना है तो वो रखो, जस्ट एंटर करो। ठीक है, आप जब जाएंगे यहाँ पे इवोल्यूट में, इवोल्यूट में यहाँ पे मास प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएगा,
ठीक है, यहाँ के CS1 जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें न्यू बनाया है यहाँ पे इस एज पे, अगर उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको क्या बोलता हूँ रिकैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास है वो मिलेगा अलग। जैसे कि अभी देखो CS1 में कितना मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास -30, -50, -191। ठीक है, अगर मैं रिपोर्ट रखूँगा तो ये देख सकते हो सेंटर ऑफ मास कितना है, 0.0 Y, 0.0 NL, 114.84। ओके, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब हम CSWP एग्जाम देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, CSW में यही सब पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछे जाते हैं। ओके, जैसे इसको क्लिक कर बाहर निकल जाऊँ, फिर अभी आता है सेक्शन प्रॉपर्टीज। अभी सेक्शन प्रॉपर्टी जो है ना बेसिकली क्या है, जैसे कि ये बॉडी है उसको हम क्या करेंगे रिकैलकुलेट करेंगे, जैसे बॉडी सिलेक्ट करने बोलेगा। ठीक है, बॉडी सिलेक्ट वन और मोर सिलेक्टेड प्लेसेज आर नॉट, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम इसको नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अभी थोड़ा एरर आ रहा है। अभी मार्कअप, मार्कअप तो मैं आपको बता ही नहीं बताया था ना। ठीक, तो मार्कअप जो है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारे को कोई कुछ चीज़ लिखनी है, यहाँ पे कुछ नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे को बोलना है कि ये वन है, तो जस्ट मार्कअप पे क्लिक करो, यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करो, ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट जैसा भी हम नोट्स वगैरह लिखते हैं, कोई भी जैसे पेंट सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसके अंदर जैसा लिखते हैं वैसा लिख सकते हैं। जैसे अगर क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट ऐड करना है यानी कि टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इरेजर है इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जिट मार्कअप से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सेंसर की। सेंसर मतलब क्या है, जैसे कि ये बॉडी मैं एक बार बता दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सेंसर का, इसको मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, डिलीट नहीं हो रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने मास ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन टेबल है, फीचर मैनेजर डिज़ाइन टेबल, तो यहाँ पे हम जब सेंसर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है सेंसर के लिए, यानी कि सेंसर मतलब क्या, यह बॉडी का जैसे मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम वर्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, वहाँ से मास प्रॉपर्टी से भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, हम इसका मास वॉल्यूम फेसेस नहीं पर्टिकुलर इस पार्टी का खाली मान करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट क्लिक, जैसे मेरे को मास मालूम करना है इसका, ठीक है, इस बॉडी का मास मालूम करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी का मास मालूम करना है, इसको जस्ट मैं क्लिक करूँगा ओके पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंसर, सेंसर पे हम जब एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मास, जो भी हमने सेंसर ऐड किए। जैसे कि मैं एक सेंसर और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम का सेंसर ऐड कर देता हूँ, और इसका इसके ऊपर सेकंड इसको क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम फंक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इमेज जो है ना, जो बॉडी का मेटल होगा इनकी जो भी बॉडी का जो मटेरियल होगा उसके हिसाब से डिपेंड होगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे मटेरियल यूज वाला है 1060 Li, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ जैसे कि ABPS इनके प्लास्टिक रख देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो मास है अभी कितना है, 90.49 है। तो एलॉय रखने पे कितना होगा, दैट इज 228, यानी कि मास जो है जाहिर सी बात है एलॉय है यानी कि स्टील है, मटेरियल है मेटल है, तो वहाँ पे मास उसका ज़्यादा ही होगा, पहले 90 था, अब क्या हो गया 228 हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कोई भी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एनालिसिस में, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे अभी बारी आती है बॉडी कंपेयर, बॉडी कंपेयर तो मैं आपको बता दिया था, यहाँ पे मोल टूल्स में, मोल टूल्स में नहीं, यहाँ पे बताया था मेश मॉडलिंग में बॉडी कंपेयर जो है ये बॉडी कंपेयर करता है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या ये है सिमिलरिटीज़ है यहाँ के, ये बताया था। यहाँ पे हमारे को दो बॉडी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि ये बॉडी और ये बॉडी मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बॉडी और ये बॉडी में मैंने इसको बोला ओके, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि दोनों बॉडी को क्या हो अलग अलग कलर में वो क्या कर रहा है शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बस इसका काम होता है बॉडी कंपेयर का। ठीक, तो यहाँ पे हम थे एवोल्यूट में, एवोल्यूट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कर्वेचर, जेब्रा स्ट्राइप्स, डेरिवेशन एनालिसिस, और बताऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम आता है ड्राफ्ट एनालिसिस जो मोल टूल्स में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं सर्च मारूँ एक सेकंड ना, प्लेलिस्ट में जाके मोल टूल्स, मोल टूल एडवांस में आपको यहाँ पे देखो ये मिलेगा ड्राफ्ट एनालिसिस ऑफ द मोल्ड और ड्राफ्ट एनालिसिस एंड रेडियल सर्फेस स्ट्रक्चर, जितने भी मैं बनाया हूँ सब यहाँ पे अवेलेबल है, अगर नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश भी है लेकिन बहुत इजी इंग्लिश है, हिंदी में भी अवेलेबल है,
हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद में क्या क्या बता सकते हैं यहाँ पे बॉलीवुड में, जैसे कर्वेचर, कर्वेचर यानी कि एक रंग बिरंगा जैसे एकदम कलरफुल इमेज क्रिएट करना, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया, एक सेकेंड, ओके, इसको क्लिक किया और यहाँ पे बोला कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या है देखो, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, ठीक है। ये बॉडी और ये बॉडी, इसको मैं हटा दिया, मैं सिर्फ ये बॉडी सिलेक्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ कर्वेचर, तो ये बॉडी का कलर चेंज हो गया। अगर जेबरा लाइन चाहिए तो यहाँ पे से हम जेबरा लाइन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं वाइट एंड ब्लैक, ये क्या है, स्ट्रिप्स क्रिएट हो रहे हैं जेबरा स्ट्राइप से, इसीलिए उसका नाम क्या है, जेबरा स्ट्रिप से, ठीक है। ट्रैप एनालिसिस हो गया, अंडरकट, पार्टिंग लाइन एनालिसिस, अभी ये सब भी हो चुका है, अंडरकट, पार्टिंग एनालिसिस, अभी मैं बार बार उसको नहीं बताऊंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पारी आती है अगले फीचर की, दैट इज सिमेट्रिक चेक। सिमेट्री मतलब नाम से ही समझ में आता है, वो क्या कर रहा है, बॉडी की सिमेट्री चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बॉडी को सिलेक्ट करने बोलेंगे, ये बॉडी सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे जो जिस प्लेन के अकॉर्डिंग आप आ रहे हो उसकी सिमेट्री चेक करनी, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और टॉप प्लेन सिलेक्ट किया और इसको चेक किया, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होंगी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो सिमेट्रिक फेस है वो क्या है, यूनिक फेस, सिमेट्रिक फेस एंड असिमेट्रिक फेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बाहर जब निकलेंगे और यहाँ इसका जब नॉर्मल व्यू देखेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सिमेट्रिक है वो कैसी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यह आता है थिकनेस एनालिसिस, थिकनेस एनालिसिस जो है ना, थिकनेस एनालिसिस मैं बाद में बताऊँगा, ये भी अच्छा खासा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो थिकनेस है बॉडी की वो एनालाइज कर सकते हैं, कि बॉडी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके हम देख सकते हैं, जैसे कि 5 मीटर 5 mm की हमें को थिकनेस मालूम करने की बॉडी में थिकनेस है कि नहीं, तो वो बॉडी खुद से चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और हमारे को बताएंगे कि यहाँ पे बॉडी की थिकनेस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। होंगी तो बताएंगे, ठीक है, थिकनेस अवेलेबल है, नहीं तो भी बोलेंगे ग्रेटर और लेस देन है, ठीक है। ये भी अच्छा है चेक एक्टिव कंपोनेंट, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं चेक के, यहाँ पे एक्टिव डॉक्यूमेंट चेक, अगेन एग्जिस्टिंग फाइल, बिल्ड चेक, लर्न चेक, लीगल, यानी कि जितने भी हमारे फाइल जो बनते हैं ना, जैसे कि कोई भी हमारे को डॉक्यूमेंट चेक करना या फिर कोई भी फाइल चेक करनी सॉलिड वर्क की, सॉलिड वर्क पार्ट की, तो जैसे कि दो बॉडी को कंपेयर करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर आता है सिमुलेशन एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड, ठीक है। ये जो सिमुलेशन एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमुलेशन करके बताता है यहाँ पे, यानी कि कोई भी अपने को यहाँ पे जैसे फोर्स अप्लाई करना है, ये बॉडी बॉडी क्या है, रिजिड है, यहाँ से वो फिक्स है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उसके अंदर जो सिमुलेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट होगा वो कितना होगा, तो हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो ये है ना मैकेनिक्स का पार्ट है, इट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सब्जेक्ट होता ही है, उसके अंदर भी हम बता सकते हैं कि हमने अपने पढ़े होंगे पिलर, बीम, स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा, दैट इज ओमेगा एल क्यूब अपॉन थीटा डी वगैरह, जो भी है स्टडी किए होंगे तो वहाँ से हम देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सॉलिड वर्क में जो है बेसिकली यहाँ पे उसका एनालिसिस होता है सिमुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे है फ्लो एक्सप्रेशन, जैसे कि हीट फ्लो, या फिर आपके पास एक सब्जेक्ट होगा दैट इज फ्लूड मैकेनिक्स, तो उस कोई भी बॉडी है उसमें से जैसे पाइप है उसमें से फ्लूड फ्लो हो रहा है, गैस फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर जो है चेंजेस कितना हो रहा है, तो उसकी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट कंडक्टिविटी, हीट रेजिस्टिविटी, ये सब यहाँ पे से कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उसके एनालिसिस के लिए इस फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस रिजल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे और भी है DFMF एक्सप्रेस एनालिसिस, ठीक है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा बाद में, अभी शायद से इतना इनफ है, अभी इसके बारे में और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कंपेयर डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक के मैंने बताया मेजरमेंट, मार्कअप, मास प्रॉपर्टीज, सेंसर्स और जेब्रा स्ट्रिप्स, कर्वेचर, सिमेट्री, बस इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो, मोर इंजीनियरिंग वीडियोज़। अभी न्यू सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट कर रहा हूँ NX7 का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट करके बता सकते हो कौन सी लैंग्वेज आपको प्रीफर करती है, इंग्लिश और हिंदी, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक एनी वीडियो। और कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह स्ट्रीमिंग भी करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा टॉपिक के ऊपर, जो भी आपके Q&A हैं
वहाँ पे वैसा सेशन रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक्स अगेन।